मुरादाबाद चौहान सिक्योरिटी ऑफिस में एक प्रेस वार्ता संपन्न हुई, जिसमें नेपाल सिंह चौहान द्वारा आचार संहिता के चलते गनमैनों की गन को जमा न कराने के संबंध में चल रही सिक्योरिटी ऑफिस में चर्चा की गई, जिसमें चौहान सिक्योरिटी सर्विस के कर्मचारी मौजूद रहे। इस वार्ता के दौरान सिक्योरिटी इंचार्ज उमेश ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि प्रशासन पर भरोसा रखा जाए। मीटिंग में चौहान सिक्योरिटी सर्विस के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जो SSP साहब को ज्ञापन दिया था हमने, तो लाइसेंस के जमा आरक्षण में जो आरक्षण चल रहा है आईएसएस में, तो उसके आचार संहिता के चक्कर में लाइसेंस जमा ना हो उसके संबंध में दिया था। तो SSP साहब ने ये हमें आश्वासन दिया कि आपका लाइसेंस जमा नहीं होगा, जो क्षेत्र में आपके वो थाना पड़ रहा है या जिस थाने की गन है उस थाने में लेटर हेड पे आप लिख के दे दीजिए, उसकी एक कॉपी हमें दे दो। तो कोई भी अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है हमें जो किसी थाने वाले इंस्पेक्टर साहब ने या SI ने मना करा हो। तो उसमें क्या मांगे थी आपकी? दूसरी मांगे ये थी कि जो सिक्योरिटी अनलीगल चल रही है और 100 से ज्यादा मुरादाबाद में चल रही है, और एक एक आदमी के नाम 3-3 रजिस्ट्रेशन है, 2-2 रजिस्ट्रेशन है, और जो ऑथराइज सिक्योरिटी है लखनऊ से उन्हें काम करने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। जो मिनिमम वेज है 8 घंटे का 9,184 रूपये, वो 8 घंटे का है, और 12 घंटे की ड्यूटी अनऑथोराइज सिक्योरिटी जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है वो 7,000-7,500-8,000 रूपये में वो काम कर रही है। तो जो ऑथोराइज सिक्योरिटी है उन्हें बहुत बड़ी परेशानी हो रही है काम करने में, क्योंकि वो सही काम कर ही नहीं पा रही है। अब ऐसे ही कुछ एक्सपोर्टर हैं जो कहते हैं आईएसएम में कि भैया वो तो नो कम्प्लायंस दे दिया हमें, आपसे कम्प्लायंस क्यों नहीं आईएसएम में? तो नो कम्प्लायंस में हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। नो कम्प्लायंस कैसे दे सकते हैं हम बिना कम्प्लायंस के? जब कम्प्लायंस में सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, PF SI चाहिए, तो बिना कम्प्लायंस के, बिना PF SI के हम कम्प्लायंस में डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करें उन्हें? सर जो आपने ज्ञापन दिया है उस मांग को ना पूरी ना होने में, उसमें मांगे ना पूरी पाएंगे, उसमें क्या करेंगे आप? तो SSP साहब से हम दोबारा मिलेंगे उनसे। अगर कोई इंस्पेक्टर या SI मना करते हैं हमसे कि भाई तुम्हारा आज समय के भाई हमें तो परमिशन पक्की चाहिए मजिस्ट्रेट साहब की, और कचहरी से ला के दीजिए परमिशन, तो कप्तान साहब से फिर दोबारा हम मुलाकात करेंगे उनसे और बात करेंगे हम। अभी तक आपकी किसी ऑफिसर से या पुलिस वाले से किसी से बातचीत हुई इस मामले में? नहीं, अभी हमने लेटर दिए हैं लिख के। अच्छा, तो वो ही मान्य हमारे हो रहे हैं। अच्छा, हमारे जो हमने अपने लेटर हेड पर लिख के अपने साइन मोहर लगा के दूसरा जिस संस्था में गन रखी है और जहां ड्यूटी गनमैन कर रहा है उस गनमैन के वहां गनमैन वहां से साइन करा लेता है या हम करा के दे देते हैं।